नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में महिंद्रा की गाड़ियों के ऊपर कितना डिस्काउंट है ये मैंने आपको विद डिटेल समझाया था, किस वेरिएंट पे कितना डिस्काउंट है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास की जो अपनी गाड़ियां होती है, एल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, i10, i20, इन गाड़ियों के ऊपर कितना डिस्काउंट है। उसके बाद इसी वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी ग्रैंड विटारा और ये अपनी ब्रेजा, फोरोंस, इन गाड़ियों पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। और आपकी खुशी के लिए बता दूं, आज के वीडियो में हमारे पास 1 लाख या फिर 2 लाख का डिस्काउंट नहीं रहेगा। आज की वीडियो में हमारे पास 40,000 रुपए से डिस्काउंट होकर 13 लाख रुपए तक जाने वाला है। तो बहनों, भाइयों, मित्रों, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं सबसे कम डिस्काउंट इंडियन मार्केट में किन गाड़ियों पे आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम अपनी हुंडई की ग्रैंड i10 की, इस गाड़ी के ऊपर आपको मात्र 40,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इससे अगली गाड़ी फिर हमारे पास हुंडई की i20 है, i10 की बड़ी बहन, इस गाड़ी के ऊपर भी आपको 40,000 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट किसी भी वेरिएंट पर नहीं है i10 i20 के। अब बहनों, भाइयों, मित्रों, हम बढ़ते हैं मारुति की गाड़ियों की तरफ। तो यहाँ पे मारुति की गाड़ी, जैसे ही हम वैगनार को देखेंगे, वैगनार को आप 1 लीटर में खरीदिए या फिर 1.2 लीटर या फिर CNG, इन गाड़ियों के ऊपर आपको 35,000 से 40,000 के बीच ही डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद एल्टो K10 के ऊपर भी आपको सेम ही डिस्काउंट मिलने वाला है। अब जब एल्टो K10 और वैगनार मार्केट में है तो मुझे समझ नहीं आता ये मारुति वालों ने सिलेरियो और एस्प्रेसो को क्यों मार्केट में रखा हुआ है। मतलब भाई, एल्टो और सिलेरियो के लुक्स में कोई ज्यादा फर्क है क्या, तुम ही बताओ कमेंट करके। अब जब वैगनार अच्छी खासी एक मिनी SUV इन लोगों के पास है, उसको तो ये हैचबैक बोलते हैं। और जो कहीं से किसी खानदान की किसी DNA से SUV लगती ही नहीं है एस्प्रेसो, उसको ये लोग मिनी SUV बोलते हैं। मतलब जो मन में आए कर दो काम उठा के। एस्प्रेसो के ऊपर भी 40,000 रुपए का डिस्काउंट है और इधर सिलेरियो के ऊपर भी 40,000 का ही, यानी कि i10, i20, वैगनार, एल्टो, एस्प्रेसो, सिलेरियो सबके ऊपर 40,000 का ही डिस्काउंट है बस। अब इससे आगे बात करते हैं थोड़े से अपर वाले सेगमेंट की। तो अगर आप हुंडई की वेन्यू को खरीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी के ऊपर आपको 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी इस गाड़ी के अपर वाले वेरियंट्स में मिलेगा। करेटा के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, हुंडई ने साफ मना कर दिया कि भाई 10-20 हजार रुपए की SSG भाईचारे में लगा के दे सकते हैं, लेकिन करेटा के ऊपर डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि हुंडई वालों को पता है डिस्काउंट दो या ना दो, करेटा तो अपने नाम से बिकती है। लेकिन बहनों, भाइयों, मित्रों, जानकारी के लिए बता देता हूँ, एल्काज़ार जो आपकी ओल्ड वाली है, इस गाड़ी का अगर आप ओल्ड जनरेशन खरीद लेते हैं तो अभी आपको 80,000 से 85,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। अब बात अगर मैं करूं हुंडई टुसोन की, तो हुंडई टुसोन का अगर आप 2023 वाला डीजल खरीद लेते हैं तो इस गाड़ी के ऊपर आपको सीधा 2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का 2024 वाला डीजल खरीदते हैं या फिर पेट्रोल, तो इस गाड़ी के ऊपर आपको 50,000 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं बात टोयोटा की फॉर्च्यूनर की करूं, तो फॉर्च्यूनर के ऊपर अगर आप नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर खरीदते हैं तो 1,50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट है। और अगर आप लेजेंडर खरीद लेते हैं, लेजेंडर 4x4 या फिर 4x2, तो इस गाड़ी ऊपर आपको 1,80,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। इधर टाटा की सफारी हो या फिर टाटा की हैरियर, दोनों ही गाड़ियों के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट रखा गया है। अलग अलग वेरिएंट पे डिस्काउंट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मैं बात जीप ग्रैंड शिरोकी की करूं, तो इस गाड़ी के ऊपर आपको सीधा 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 यहाँ पे 12 लाख रुपए का डिस्काउंट रखा है जीप वालों ने। और जीप कंपास के ऊपर आपको वेरिएंट वाइज 2.5 लाख रुपए तक डिस्काउंट मिल सकता है। जीप मेरिडियन के ऊपर मात्र 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है। इधर अगर आप स्कोडा की कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो आप वेरिएंट टू वेरिएंट पहुंच सकते हैं और यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। बात करता हूँ मारुति ग्रैंड विटारा और अपनी टोयोटा की अर्बन क्रूजर यानी कि हाईराइडर, दोनों सेम ही गाड़ी हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको 75,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ में दोनों ही गाड़ियों के आपको 5 साल तक की फ्री वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप मारुति फोरोंग्स या फिर टोयोटा की अपनी टीजर खरीदते हैं, ये भी दोनों बिल्कुल सेम ही गाड़ी है, तो इन दोनों गाड़ियों के ऊपर आपको 55,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और फिर से आपको 5 साल तक की अपनी फ्री वारंटी मिलने वाली है दोनों ही गाड़ियों में। और बात अगर मैं महिंद्रा की बलेरो, बलेरो नियो या फिर ओल्ड वाली बलेरो की करूं, तो तीनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स पे आपको 1-1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब टोयोटा कैमरी को अगर देखा जाए तो टोयोटा कैमरी एक ऐसी गाड़ी है, आधे से ज्यादा इंडिया की जनरेशन इस गाड़ी का नाम भी नहीं जानती, गाड़ी तो शायद किसी ने देखी ही हो। इस गाड़ी को अगर आपको सीधा सीधा 9.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है कैश में। और बात अगर MG की ग्लोस्टर की जाए तो MG ग्लोस्टर के ऊपर भी आपको 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट कैश में मिलने वाला है अभी 2024 के सितंबर में। बात अगर XUV 300 की करूं, तो इस गाड़ी के डीजल में अगर आप टॉप वेरिएंट W8 या फिर W8 ऑप्शनल खरीदते हैं तो इस गाड़ी को आपको सीधा 2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप W6 खरीदते हैं सनरूफ, वहां पे भी है डीजल में, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। XUV 300 पेट्रोल के ऊपर आपको
W6 1 लाख का डिस्काउंट देगी और W8 1,40,000 तक का डिस्काउंट देने वाली है। बात मैं टाटा नेक्सोन ईवी की करूं तो टाटा नेक्सोन ईवी में अगर आप खरीदते हैं तो यहां पे आपको लगभग 2,80,000 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है इस गाड़ी के ऊपर। और टाटा पंच ईवी की बात करूं तो 1,50,000 रुपए का मोटा डिस्काउंट अभी आपको 2024 के सेप्टेम्बर में टाटा पंच की ईवी पे भी मिलने वाला है।